नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। और अभी जो कार्तिक माह चल रहा है, उस माह के अंदर बहुत ही पावन और पवित्र त्योहार है और जिनकी बहुत बड़ी महत्ता है हमारे जीवन के लिए। तो इन त्योहारों में जो मेन है वो धनतेरस है। धनतेरस का मतलब लक्ष्मी जी जो है धन के रूप में हमारे ग्रह में प्रवेश करते हैं और उसके बाद हमारे पूरा जो वर्ष है वो चलता है। उसके बाद दीपावली का त्यौहार है जो कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या पधारे तो उनकी खुशी के अंदर मनाया जाता है। और ये भी बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार है। इसमें दीपक जलाए जाते हैं और दीपक जलाने का महत्व ये है कि सबके जीवन में एक उजाला हो, सबके जीवन में रोशनी हो और सबके जीवन में खुशियां हो। उसके बाद अगले दिन विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। विश्वकर्मा डे जो कि विश्वकर्मा जी ने पूरी सृष्टि को साजा है, पूरी सृष्टि को बनाया है, उनकी याद में ये मनाया जाता है। उसके साथ ही भैया दूज आती है। ये सब त्योहार जो है बड़े पावन और पवित्र है। और इसके साथ साथ बंदी छोड़ दिवस भी इन्हीं दिनों में मनाया जाता है। तो इन सब त्योहारों की सभी देशवासियों को, पूरी मानवता को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब खुश रहे, सब आबाद रहे, यही हम कामना करते हैं। और हमारा जो जीवन का मिशन है वो ये है कि सब लोग स्वस्थ रहे और खुश रहे। इसके साथ साथ हम आपको जो हमारी सेवा चल रही है उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 6 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक फाजिल्का में स्वास्थ्य का जो शिविर जो हर महीने चलता है वो 6 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक फाजिल्का पैड़ीवाल धर्मशाला में लग रहा है। तो वहाँ उसमें भी पहुँच करके ये सेवाएं ले। जो बच्चे खास करके सीपी से पीड़ित है, वीट एलर्जी, गेहूं की एलर्जी से पीड़ित है और अन्य जो भी कोई बीमारी या तकलीफ है या पैरालाइज के पेशेंट है तो वो इस शिविर में पहुंच करके लाभ ले सकते हैं दीपावली के, और इन सब त्योहारों का भी आनंद लें और साथ में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इस शिविर का भी पूरा पूरा लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।